Today we are going to read Remain chapter number 4 in your EVS book Animal Sense. Animals के sense के बारे में हम read करेंगे इस chapter में. Today's topic is smell, sense of smell. A keen sense of smell is found in animals but not all of them use their nose. Animals में sense of smell बहुत ज़्यादा शार्प होती है बट सभी एनिमल्स अपने नोज़ को एज अ सेंस ऑफ स्मेल यूज़ नहीं करते. मतलब हमें जैसे कि पता है सेंस ऑफ स्मेल मतलब हम किसी भी चीज़ को सेंस कर पाते हैं स्मेल के थ्रू, तो हम अपने नोज़ को यूज़ करते हैं. बट सभी एनिमल्स ऐसे नहीं होते जो नोज़ के थ्रू किसी भी चीज़ की स्मेल सेंस कर पाते हैं. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स विच अ शार्प सेंस ऑफ स्मेल इज़ डॉग. शार्प सेंस ऑफ स्मेल का अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं तो बेस्ट एग्जाम्पल होता है डॉग. डॉग का सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज़्यादा शार्प होता है. डॉग्स हेल्प इंटेंसिवली इन फाइंडिंग लॉस्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो ट्रैकिंग क्रिमिनल्स. डॉग्स काफ़ी बड़े लेवल पे चीज़ों को फाइंड आउट, जो लॉस्ट चीज़ें होती हैं, लॉस्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हें फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करते हैं, और जो क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें भी ट्रैकिंग कर सकते हैं. अ ब्लड हंट कैन स्मेल अ ट्रायल अप टू 4 days old. एक ब्लड हंट एक ऐसा डॉग होता है जो 4 days पुराने निशान को भी स्मेल करके फाइंड आउट कर सकता है. आर्न्स टू हैव अ कीन सेंस ऑफ स्मेल. आर्न्स की भी सेंस ऑफ स्मेल काफ़ी शार्प होती है. दिस हेल्प्स देम रिकॉग्नाइज देयर नेस्ट मेट्स एंड फॉलो देयर ट्रायल्स एंड फाइंड फूड. इनकी सेंस ऑफ स्मेल की वजह से ये अपने नेस्ट मेट्स को, मतलब इनके नेस्ट में रहने वाले अदर आर्न्स को ये रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, पहचान सकते हैं, एंड उनके जो निशान होते हैं उनको फॉलो कर सकते हैं और अपने फूड को सर्च कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं बाई सेंस ऑफ स्मेल. नेक्स्ट इज टेस्ट. एनिमल्स हैव अ सेंस ऑफ टेस्ट. एनिमल्स के भी सेंस ऑफ एनिमल्स के सेंस ऑफ टेस्ट भी होता है, वो चीज़ों को टेस्ट करके भी फील कर सकते हैं. बट अनलाइक ह्यूमंस हु टेस्ट विथ देयर टंग, हाउस फ्लाइज, बीज एंड बटरफ्लाइज यूज देयर फीट फॉर टेस्टिंग. जैसे कि ह्यूमन किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए अपनी टंग यूज़ करते हैं, लेकिन हाउस फ्लाइज, बीज एंड बटरफ्लाइज किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए अपने फीट यूज़ करते हैं. अ बटरफ्लाई वॉक्स ओवर द लीफ टू इंश्योर दैट इट इज़ एडिबल फॉर द न्यू कैटरपिलर. एक बटरफ्लाई किसी भी लीफ पर वॉक करती है और ये इंश्योर करती है कि वो एक न्यू कैटरपिलर के लिए यूज़फुल है या नहीं है, ईडेबल है या नहीं है. देयर आर ग्रुप ऑफ टेस्ट बर्ड्स ऑल अराउंड द माउथ ऑफ अ शार्क. एक शार्क के मुंह में माउथ में चारों तरफ एक टेस्ट बर्ड का ग्रुप होता है. इट ऑल्सो हैज़ टेस्ट बर्ड एट द टिप ऑफ इट्स स्नाउट. इसके माउथ में तो टेस्ट बर्ड्स का बहुत ग्रुप होता है, बहुत ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं, बट इसकी जो स्नाउट होती है उसके टिप पर भी टेस्ट बर्ड होते हैं. द टंग ऑफ द शार्क स्नेक ऑन द अदर हैंड हैज़ नो टेस्ट बर्ड. जहाँ शार्क के माउथ में इतने सारे टेस्ट बर्ड होते हैं, वहीं दूसरी तरफ स्नेक के माउथ में टंग पर कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं होता है. द फॉग टंग गैदर्स स्मेल एंड टेस्ट फ्रॉम टू प्लेसेस एट द सेम टाइम. एक स्नेक की जो टंग होती है, जो फॉग टंग होती है, वो एक साथ एक ही टाइम में अदर प्लेसेस से स्मेल और टेस्ट दोनों का सेंस गैदर कर सकती है. द प्लेस फ्रॉम वेयर इट कैरीज अ स्ट्रॉन्ग स्मेल गिव्स द स्नेक अ सेंस ऑफ डायरेक्शन. जिस भी वे से स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है स्नेक को, वो उन्हें डायरेक्शन ढूंढने में हेल्प करती है. दिस वे अ स्नेक फॉलोज
द ट्रायल ऑफ इट्स प्रे, इसी की वजह से स्नेक अपने शिकार के निशान को फॉलो कर पाता है, या फिर दैट ऑफ अनदर स्नेक, या फिर दूसरे स्नेक को फॉलो कर सकता है. आर्स टू हैव अ सेंस ऑफ टेस्ट एज दे कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन स्वीट एंड सॉर, सॉल्टी एंड बिटर. आर्ट्स में भी सेंस ऑफ टेस्ट होता है जिसकी वजह से वो किसी भी चीज़ के टेस्ट में डिफरेंस कर सकती है, जैसे कि स्वीट या सॉर में डिफरेंस करना, सॉल्ट या फिर बिटर, इन दोनों इन सब में डिफरेंस कर सकती है बाय टेस्टिंग. नेक्स्ट इज टच. द सेंस ऑफ टच इज सीन टू बी शार्प इन नॉक्टर्नल एनिमल. सेंस ऑफ टच जिन एनिमल्स में शार्प होता है वो नॉर्मली नॉक्टर्नल एनिमल होते हैं. द सेंस ऑफ टच गिव्स देम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर सराउंडिंग. और ये उनमें सेंस ऑफ टच उन्हें इन्फॉर्म करता है उनके आसपास की चीज़ों के बारे में. हेल्प देम टू कम्युनिकेट एंड फाइंड फूड. सेंस ऑफ टच उन्हें आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, फूड को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है. यानी कि वे किसी भी चीज़ को टच करके कम्युनिकेट कर सकते हैं या टच करके फूड को फाइंड आउट कर सकते हैं. कैट यूज देयर विस्कर्स टू फील देयर सराउंडिंग. कैट अपने विस्कर्स को विस्कर्स के थ्रू अपने आसपास की चीज़ों को फील करता है. विस्कर्स क्या होते हैं? कैट के फेस पर होने वाले जो हेयर्स होते हैं, बिग हेयर्स होते हैं, वो विस्कर्स होते हैं. They have whiskers on their cheek, chin and above their eyes. Whiskers उनके फेस पर, cheek पर या फिर chin पर और eyes के ऊपर होती हैं. As their whiskers help them feel the way around at night. ये whiskers उन्हें night time में रास्ता feel करवाने में help करते हैं. Cats are seen to be the most active नाइट ड्यूरिंग नाइट टाइम. नाइट में हमने मोस्टली कैट को एक्टिव होते हुए देखा है. नाइट में कैट्स ज़्यादा एक्टिव होती हैं. माइस टू हैव विस्कर्स एंड देयर फोर दे कैन ईजीली सेंस ऑफ सेंस एंड अप्रोचिंग एनिमी. माइस के भी उन विस्कर्स होते हैं उनके फेस पर, जिसकी वजह से वे दूर से भी आने वाले अपने एनिमी को सर्च कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. द बिल, टंग एंड पैलेट ऑफ बर्ड्स आर सेंसिटिव. बिल, टंग एंड पैलेट, ये बर्ड के माउथ के ही पार्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. टू टच एज दे हैव नर्व्स एंडिंग, इनके अंदर नर्व्स एंडिंग्स होती हैं विच रेस्पॉन्स टू ऑल काइंड ऑफ टच, जो उन्हें हर तरीके के टचेस के बारे में इन्फॉर्म करती हैं. द नर्व्स एंडिंग सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन. ये नर्व्स एंडिंग्स उस सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं. एंड अ रेस्पॉन्स इज ड्रॉन, और उसके बाद में रेस्पॉन्स भी पहुंचाने का काम करते हैं, वापस लाने का काम करते हैं.